है, भले वो गुजरात में चले या केरल में चले। इसका मतलब तो ये हो गया कि अमेरिका से भी हम बड़े जीत चला रहे हैं कि हम वहां जा रहे हैं। ये नेताओं से पूछने की जरूरत है। 15 अगस्त मनाते हैं, हर साल तिरंगा झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, बच्चों को कहा जाता है लड्डू खाने को आ जाओ, वो लड्डू ही है बाकी कुछ नहीं। वो आजादी आजादी तो सब कहीं रखी हुई है, क्योंकि एक काम हम ऐसा नहीं कर पाए इस देश में कि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ समझौता कर दिया उसको जला के नहीं फेंक पाए 60 साल में। और क्या करेंगे, वो समझौते की कॉपी यहाँ कुछ है, कुछ लंदन में पड़ी है। वो कर देंगे क्लेम किसी दिन, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनके देश में जो कुछ वो चाहते हैं वो हो ही रहा है। यहाँ जो जो कुछ ब्रिटिश चाहते हैं वही तो हो रहा है इस देश में। तो अगर मान लो वो ये तय कर लें आज, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल, उनको लगता है कि भारत को अभी हैंडल कर नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियली बहुत कमजोर है। 1947 में भी भारत उन्होंने छोड़ा तो इसलिए नहीं छोड़ा कि उनके दिल में हमारे प्रति सद्भावना थी, इसलिए छोड़ा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतनी पिटाई हो चुकी थी उनकी कि भारत को साथ रखना उनके लिए संभव नहीं था। हाँ, तो हमारा भी 99 साल पूरा होगा तब जाके कोई फैसला होगा, तब तक तो ये पर्दा ही पड़ा हुआ। हिंदुस्तान के नेता बात नहीं करना चाहते इस विषय। हांगकांग का जो बहस डिबेट हुआ था वो 10 साल पहले से चालू है कि कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, चाइना में जाएगा कि उसका इंडिपेंडेंस रहेगा। सो ऑल दैट थिंग स्टार्टेड हैपनिंग 10 ईयर्स बैक बिफोर इट वाज हैंडेड ओवर। सो आई मीन दिस इज अ वेरी बिग इशू व्हाट यू से। 1943 में हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो गया ये सब कि भारत आजाद होगा तो किन कंडीशन पे होगा, क्या रहेगा भारत में क्या नहीं रहेगा। बहुत बड़ा इशू है और ये बिग इशू को खोलने के लिए मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि कोई ऐसा चैनल मुझे मिले जो फ्री हैंड दे तो वो सब डॉक्यूमेंट्स में चैनल पे दिखाना चाहता है। या तो भारत सरकार डिनाई करे कि ये डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हम बात करें कि आपके यहाँ रखे हुए अगर डॉक्यूमेंट झूठे तो आप कहो कि ये झूठे हैं। आपने कोई चैनल से बात किया है? किया था ना आस्था चैनल से, थोड़े दिन उनके यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट दिखा, उन्हीं में उनको पसीना आ गया। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने दिखा दिया कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, तो उसी में वो किरीट भाई को इतनी तकलीफ हो गई, उन्होंने कहा राजीव भाई आपका तो कोई ना बीवी है ना बच्चा, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, मेरा ये लाइसेंस कैंसिल हो गया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, आप कृपया करके इतनी खतरनाक और विस्फोटक चीजें मत दिखाइए। आप कुछ ऐसी बातें करिए जैसे रामदेव जी करते हैं, योग प्राणायाम धर्म ध्यान समाधि धारणा ये है। तो सोमवार से मंगलवार में पहुंच चुके हैं, राजीव जी का कल बलसर कॉलेज धर्मपुर कॉलेज में तो प्रोग्राम है। मुझे कादर खान वाली बीमारी है, रात को दिखता नहीं, इनको बलसाड़ स्टेज ले जाना, ये राष्ट्र की संपत्ति है। जोरदार तालियों में दूसरी बार बाकी भी आप बुलाएंगे, मेरा आदर मिल रहा है।